दोस्तों नमस्कार। बात करेंगे यहाँ पे रेलवे बोर्ड के अंतर्गत पटना बिहार के अंतर्गत वैकेंसी जारी की गई है रेलवे में। जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन में देख पाएंगे, इसका पीडीएफ मैं डाउनलोड करके आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और इसका जो लास्ट डेट है दोस्तों 10/11/2023 से शुरू होकर के 9/12/2023 तक रखा गया है। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं तो कल इसका आखिरी डे है दोस्तों, तो आप लोग फटाफट इसको अप्लाई करें और फॉर्म फिलअप कर लें एवं 9/12/2023 को शाम को 5 बजे तक अप्लाई कर पाएंगे। और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये है। इसके अलावा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके देख पाएंगे। और यहाँ पे नंबर आप पोस्ट की बात करें तो आप लोग ये देख पाएंगे इसके अंतर्गत जो क्रमांक है, इस क्रमांक के अंतर्गत ये पोस्ट जारी की गई है। और टोटल पोस्ट की बात करें तो आप देख पाएंगे सभी जगह में इतनी इतनी पोस्ट दी गई है, तो आप लोग इसको देख के भर लीजिएगा। और फीस भी दोस्तों ज़्यादा नहीं है, केवल 100 रुपये रखी गई है, 100 रुपये रखी गई है। तो अब वो आगे आपको दिखाते हैं फीस भी कितना है, वो भी देख लेंगे। और ये पोस्ट जो है यहाँ पे इतनी जारी की गई है सभी विभाग के कैंडिडेट के लिए है, और 10वीं पास ITI कैंडिडेट के लिए यहाँ पे ये पोस्ट और वैकेंसी जारी की गई है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन के नीचे आएंगे तो यहाँ पे सारी जानकारी जो दी गई है इसके अंतर्गत आपको सिर्फ पढ़ लेना है। 15 से 20 मिनट में सारा PDF आप लोग पढ़ पाएंगे। और इसका जो स्क्रीन है, पात्रता है, ये सारी चीज़ें भी दी गई हैं। जैसे कि आप यहाँ देख पाएंगे 15 से लेके 24 साल के बीच उम्र यहाँ पे मांगी गई है। और इसके अलावा यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है तो ये आप लोग देख पाएंगे। यहाँ पे देख पाएंगे शैक्षणिक अर्हता जो रखी गई है 50% अंकों के साथ में 10वीं पास होना चाहिए 10+2 प्रणाली के अंतर्गत। और उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे संगत ट्रेड में ITI होना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों जो भी कैंडिडेट यहाँ अप्लाई करना चाहता है, ITI कर रखा है, तो उसके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है रेलवे में जॉब करने के लिए। और यहाँ पे सैलरी भी दोस्तों अच्छी रहती है। और आप लोग यहाँ पे ये देख पाएंगे 100 रुपये इसका जो आवेदन शुल्क रखा गया है वो अब यहाँ पे बता दिया गया है। इसके यहाँ किसी को लिंक ओपन करने में कोई दिक्कत आती है दोस्तों तो आप लोग को मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा। हमारी वेबसाइट में जाएंगे तो वहाँ से आप लोग इसको सारा लिंक से डाउनलोड करके देख पाएंगे। और इसके बारे में कैसे फॉर्म फिल करना है सारा अपडेट इसके अंतर्गत दिया गया है, तो भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। प्रशिक्षण का जो करार रहेगा कि प्रशिक्षण के दौरान क्या करना रहेगा, उसके अंतर्गत ये सारी चीज़ बताई गई है। जैसे कि यहाँ पे पढ़ पाएंगे नामित ट्रेड में शिक्षक का प्रशिक्षण के आरंभ होने से पूर्व चयनित अभ्यर्थी को सुसंगत लागू प्रावधानों के अंतर्गत शिक्षक का प्रशिक्षण करार करना होगा। शिक्षुता नियमावली 1992 के प्रावधान के अनुसार यह शिक्षुता करार में अधिसूचित नियमों एवं शर्तों को निष्पादन नियोक्ता की विफलता होने करार समाप्त कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो जानकारी नियम कानून दिए गए हैं ये आप लोगों को अच्छे से देख लेना है। चिकित्सा व्यवस्था के बारे में जो ये सारी दी गई है तो ये भी आप लोगों को देख लेना है। और इसको PDF को अच्छे से पढ़ेंगे तो सारी अपडेट आपको यहाँ पे पता चल जाएगी। और जो भी अप्लाई करना चाहता है तो प्रॉपर अप्लाई करके देख ली। और दोस्तों जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है www.incindore.com है, तो आप यहाँ पे सर्च करेंगे गूगल में www.incindore.com। दोस्तों जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से आपको वेबसाइट मिल जाएगी, तो यहाँ पे आप लोग सर्च करके देख लें और अप्लाई कर दें। और शेयर करना ना भूलें आपके दोस्तों में जो भी अप्लाई करना चाहता है, या तो आपके फ्रेंड फैमिली दोस्त है और +2 और ITI कर रखा है, तो उसको जरूर शेयर कर दें ताकि वो उसका फ्यूचर और रेलवे में वो अप्लाई कर पाए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। थैंक यू सो मच। ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय।